कल रात को साइकिलिंग का प्लान बना रहे थे इस रमजान के लिए, कहाँ तक गया ये आपका प्लान? यार वल्ला टाइम ही इतना नहीं बचता हाँ, दिल कि बहुत यार चाह रहा है दें लेकिन यार, हो नहीं पा रहा। नहीं नहीं दें, कुछ थोड़ा बहुत तो टाइम दें इंशाल्लाह। हम वैसे कोविड में जब तरावियाँ घर में पढ़ते थे ना, यानी अकेले रात को क्या मुलायल, तो फिर तरावियों वो साइकिलिंग का टाइम मिलता था, लेकिन जब से तरावियाँ शुरू होती है ना, फिर फैमिली को लेके जाना, फिर लेक्चर्स और सब कुछ, 11th आवर पॉडकास्ट है, तो इसके लिए फिर टाइम नहीं बचता। आप कहते हैं कि टाइम दें हम साइकिलिंग यार दें, अब आप करते हैं साइकिलिंग यार, जिम चले जाते हैं ना आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइकिलिंग आप करते हैं साइकिलिंग यार। मैं तो आपको पता है क्या करता हूं, आपको तो पता है, फिर नहीं करते, फिर लम्हा नहीं करते ही नहीं है साइकिलिंग। मैं आप यार नहीं, आप जिम भी तो, लेकिन जिम जिम भी तो है ना, यानी मैं अब साथ साथ नहीं 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 व्हाट आई मीन टू से इज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं यार। नहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आज पेशावर गए थे आप क्या किए? मैं मोटरसाइकिल पे भी आया। अल्लाह इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज अल्लाह। तो नहीं लेकिन हमें ऑनेस्टली ना ये साइकिलिंग 11th आवर के बाद शुरू करनी चाहिए, यानी हम साइकिल्स पे आए यहाँ पे और यहाँ से फिर साइकिल्स पे निकले, एक राउंड मारे और घर चले जाए, वहां जाके अपना, क्योंकि यू नो वंस यू गिव हैव अ डिस्कशन बड़ा, तो यू नीड सम ब्रेक मैन, यू नीड सम ब्रेक, तो ताकि यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ। यस, ताकि साइकिलिंग ना कैन बी अ गुड ट्रीट फॉर अस एज वेल। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। आप अपना सुनाए, पेशावर कैसा रहा आपका? या इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 3 institutes में लेक्चर्स थे बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजे की हालत में टायरिंग यार, अल्लाह अकबर। मैं आपको सही बात बताऊं, आज मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि रोजाना मैं टायर्ड फील करता हूं, लेकिन आज 3 lectures देके आया हूं, पेशावर जाना और आना, आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज फीलिंग इनफैक्ट एक्टिव। मैं इवन कभी अक्सर ना तरह ये इफ्तारी के बाद ना छोटा सा 15 मिनट का नैप लेता हूं, आज मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी ब्रो। अजीब, यानी व्हेन यू इन ह्यूमंस आर डिजाइन क्या विशेष है ना, अगर आप अपने आप एक्टिव रखो ना, यू डोंट फील लेसी। जितना आप अपने आप को रेस्ट देने के चक्कर में ना, ये बल्कि अभी रिसेंटली मैं एक दिन में मैंने कहा यार मैंने ना नींद पूरी करता हूँ, काफी दिनों से पूरी नहीं होती, रात को मैंने सुबह भी मैंने फजर के बाद 5.5-6 घंटे नींद पूरी की, और उसके बाद मेरा रेस्ट ऑफ द डे मुझे बहुत टायर्ड गुजरा, दिन भी लेजी गुजरा, और मुझे शाम में फिर असर के बाद मुझे हो रहा थोड़ी देर लेट जाऊं क्या करूं, बड़ा अजीब सा हुआ। अच्छा जब आपको खुद शौक होता है ना किसी काम का, एक मिसाल है, तब आप टायरिंग फील नहीं करते। अगर आप टायर्ड हो भी लेट से फिजिकली, लेकिन इट कीप्स योरसेल्फ, आप जो है ना आपको जरा के पुश करते रहते कि करते रहो करते रहो। मैंने खुद में वो सुना, बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि हम आजकल कहते हैं ना कि रोजा बड़ा लाइट गुजर गया है ना, रोजा बड़ा अच्छा गुजरा, फील ही नहीं हुआ। हालांकि असल मकसद रोजे का ये नहीं था, लाइट गुजरा, पता ना लगे, आप भूख लगवाएं अपने आप को, एग्जैक्टली, ताकि आपको रोजे की वो तो फील हो, वो तो भूख और प्यास है ना जो आपको ये चीजों से रोकती है। हम सारा दिन सोए रहते हैं, फिर एसी में सारा दिन बाहर नहीं निकलते और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, ये रोजा ना लग जाए, मकसद पूरा नहीं होता। मुझे बड़ी बात यूनिक लगी है। हालांकि एक भाई हमसे पूछे थे कल पेशावर जाना था, भाई 3 lectures हैं, जाना है और आना है, तो क्या करना है, रोजा रखना है यानी, क्योंकि सफर में आपको इजाजत है कि आप स्किप कर सकते हो? मैंने कहा जानी रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। और यू नो व्हाट, वल्लाही फील नहीं हुआ ब्रो कि रोजा है हमारा, बिल्कुल भी नहीं हुआ, और दुम्मा भी नहीं खाया था पेशावर में यार, इतना बड़ी ब्लास्फेमी हो गई ब्रो। वैसे सफर में आप छोड़ सकते थे, क्यों नहीं आपने ब्रो? बस ना वो मुझे था कि यार एक रिवॉर्ड मिस हो जाएगा ब्रो, यानी सफर के जो मैं रमजान के बाद रोजा रखूंगा, नहीं ब्रो, मैंने बल्कि आज ही हदीस दोबारा पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को पसंद है कि उसकी रुख्सतों पे अमल किया जाए। हाँ ब्रो, असल में ना वो जो सफर था ना ब्रो, एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं, टॉक्स देनी थी ब्रो, और ना कोई वो धूप भी ज्यादा चलना नहीं था, सफर भी पेशावर छोटा है, पेशावर छोटा सा सफर है तो हो जाएगा। आज का टॉपिक क्या है ब्रो? आज अल्लाह अकबर यार, व्हाट इज द टॉपिक? लुकमान हकीम की एडवाइसेस, अपने यू नो अ फादरली एडवाइस टू हिज सन, माशाल्लाह। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लुकमान हकीम, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक ही इज अ नबी। नहीं, ही इज नॉट अ नबी, नॉट ही इज ही इज अ नॉर्मल पर्सन। कुछ तो ये कहते हैं कि वो गुलाम थे और उनके मास्टर ने उनको बड़ा दानिशमंद और बड़ा हिकमत वाला पाया तो आजाद कर दिया। इब्ने मसूद और ये जो है ना बाकी सहाबा, कहानियां वैसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी कोई हबशी थे, कोई क्या थे, बहुत सारी, और इसमें से कोई भी वो 100% नहीं है, बट ही वाज वेल नोन एज अ विजडम वाला इंसान अरब में, ये बात नबी सल्लम के दौर में भी उस टाइम पे भी उनकी पुरानी स्टोरीज लोगों ने सुनी हुई थी, मिलती कोई शख्स इस नाम से गुजरा था और बहुत ही हिकमत वाली बातें हैं, और इवन जो इस सूरा में कुछ बातें हैं उसके अलावा भी इनसे लोगों ने की हुई है कि यार इन्होंने ये और भी बातें की। तो जैसे इनके मालिक का जिक्र आता है ना कि इनके मालिक ने कहा कि बकरी ज़िबा करो, जब उन्होंने शीप ज़िबा की, शीप इनफैक्ट, तो कहा कि इसके सबसे बेहतरीन 2 parts ले आओ, तो वो ना दिल और ज़बान लेके चले गए उनके पास। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, एक और दफ़ा कुछ दिनों बाद कहा बकरी ज़िबा करो, जब ज़िबा की उन्होंने कहा इसके सबसे वर्स्ट पार्ट्स ले आओ मेरे पास, तो वो दिल और ज़बान लेके आ गए।
लेकिन हाउ कैन यू रिकनसाइल बिटवीन द टू, कहते हैं अगर दिल और जबान अच्छे होना तो सबसे अच्छे पार्ट्स हैं, और ये ख़राब हो जाए ना सबसे बुरे पार्ट्स हैं, तो लुकमान हकीम की तरफ वाकया मंसूबा। वैसे कितनी बड़ी बात है कि एक आम आदमी को अल्लाह ताला ने इतना प्रेज करके कुरान का हिस्सा बनाया। यार एक्चुअली देखे ना रिवायत जो स्ट्रॉन्ग जो नैरेटिव है ना वो ये है कि वो नबी नहीं थे, वो एक वाइज वाइज मैन सॉलिड। और अच्छा देखें ये भी नरेशंस बताती हैं कि ही वाज फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है अफ्रीका से थे और उनका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था। अच्छा ये बात करते हुए ना मुझे बड़ा एक यानी सुभान अल्लाह इट्स सो अमेजिंग कि यार देखें एक शख्स है नबी नहीं है और यानी अपेरेंटली उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऐसा है कि जिसमें हम आज अपनी सोसाइटी में उसको यू नो वी लुक डाउन अपॉन सच पर्सन डिस्करेज होते हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है ना प्रूफ हमको दे दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ चेहरे नहीं देखे, ये चीज़ मैटर नहीं करती, माल नहीं देखे जाते। देख लेना यार आप देखें सुभान वो तो क्या ही बात है। अब आप देखें ना कोई भी मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक यानी इस किताब पे बिलीव ना कर ले, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसका कोई भी कार्य अब हम जो तरावी पढ़ते हैं कुरान कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक हम लुकमान अलैहिस्सलाम की विजडम के बारे में तिलावत ना कर लें। अल्लाह खूबसूरत बिल्कुल और क्यामत तक आने तक सब लोगों के लिए उनकी अल्लाह सुभाना व ताला चोज नॉट टू टेक नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ही चोज नॉट टू टेक नेम ऑफ बकर सिद्दीक कुरान की आयत है वहीद अरसलना इलैहि मुसनैन फकज़बहुमा फअज़ज़ना बिसालिसिन तीन हमने भेजे नहीं नाम लिया जैसे मूसा जिनसे सीखने गए थे कुरान सूरह काफ में क्या आता है फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व इल्मा अब्दन मिन इबादिना और अबू बकर सिद्दीक के बारे में इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न लेकिन द रीज़न अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेंशनड द नेम ऑफ लुकमान अलैहि सलाम and named a surah as well yani pure surah ko naam de diya is itself a hikma ki ye hikmat kitni badi cheez hoti hai jis insaan ko de di jaye aur shuru bhi hoti hai na ke tilka ayatul kitab al hakim ye ayat hai kitab al hakim ki to is hikmat bhari kitab mein jo jis hakim shakhs ka zikr aane wala hai na wo badi kamaal ki hai layman to samajh mein aate badi hope milti hai ke alhamdulillah ke yani there is still hope यानी ज़रूरी नहीं है कि आप देखें अल्लाह ताला ने अगर कोई आम शख्स भी जनरली अगर दीन को फॉलो करता है तो इट मींस कि हम जो हैं लेमन जहाँ पे इतने गुनाहगार हैं इतने गुनाह करते हैं तो हमारे लिए भी उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ वी फॉलो दिस दीन तो हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही खैर है एंड प्रॉब्ली ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस और स्पेशली उसमें जो शिर्क के बारे में उन्होंने जो बात की है ना यानी अल्लाह ताला जो अपने दीन में बुरे अमाल की प्रायोरिटी देते हैं लुकमान हकीम नबी होए बगैर वो ऐसी एडवाइजेस कर रहे हैं जो कि यानी हदीस में देयर आर सम पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट्स बट देयर नॉट प्रॉफिट्स और मेरी उम्र में अब उम्र उनमें से है। तफसीर में ना मैंने ये भी चीज़ पढ़ी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान के ज़रिए से मुशरिकीन मक्का को बहुत सारी दलाइल दे चुके थे सो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम वाज नोन इन दैट कम्युनिटी बिल्कुल की बेसत से पहले एज समबडी वेरी वाइज तो एज ए सेकेंडरी दलील ये देखो तुम्हारी जो कम्युनिटी है तुम्हारे जिन लोगों को तुम जान जिनके बारे में तुमने सुना है पढ़ा हुआ है जिन लोगों में जिन जो बंदा तुम्हारे नज़दीक दानिश्वर मशहूर है या आकिल मशहूर है बड़ा देखो वो क्या कह रहा है वो भी शिर्क की नफी कर रहा है तो एज अ सेकेंडरी दलील जो है ना अल्लाह ताला ने इनको चूज किया अल्लाह अकबर अल्लाह कुरान में कहते हैं वलकद आतैना लुकमान الحکمت ان یشکر للہ कि हमने लुकमान को हिकमत दी यानी हिकमत है क्या चीज इख्वान व्हाट डू यू थिंक हिकमत क्या है कौन सी बात कब कहनी है कहां कहनी है किस अंदाज में कहनी है और कितनी कहनी है हिकमत बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसके अंदर नॉलेज जो है ना वो उसकी बेसिस वही बनती है और जिसमें आगे जो नसीहतें भी आती है ना कि हिकमत की निशानियाँ भी ना एक बंदा वैसे जनरली दुनियावी तौर पर बड़ा नॉलेजेबल हो सारा कुछ हो बट अगर अल्लाह ताला को ना पहचान सके तो ही डज नॉट हैव दैट बेसिस कवर्ड तो यानी वो तो नॉलेज तो है लेकिन साथ साथ उसका जैसे किस टाइम बोलना है फ़िल अल्लज़ी यंबगी कमा यंबगी फ़िल वक्त अल्लज़ी यंबगी यानी डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट वे इसमें एक और जो चीज़ है ना जो हमारे लिए मैं सबकी लेसन है और मैं खुद भी बड़ा इसको सोचता हूँ कि सहाबा कराम जो थे वो जो आयात पढ़ते थे उसको
अमल में लाते थे उसको, मतलब इट वॉज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग दोज आयत, समझते थे, पढ़ते थे, अमल में लाते थे और फिर वो आगे बढ़ते थे. वो ये तो हिकमत है. दिस यही मैं कहने लगा था कि दिस इज हिकमत. और इसी तरह हिकमत डेवलप भी होती है कि जब आप उस चीज़ को अमल में ले आए ना, यू नो नॉलेज हम हासिल करते हैं, एक है पोजेशन, आपके पास ढेर सारा पोजेस कर लिया आपने नॉलेज, इल्म ढेर सारा पोजेस किया है, एंड वन इज दैट यू एक्ट ऑन इट एंड आप वो आपका पार्ट बन जाए, यू लाइक बींग नॉलेज. इसलिए लोग ना हिकमत की डेफिनेशन करते हैं अल इल्म नाफे वल अमल बिही. जाहिल शख्स वो है कि जिसको या तो इल्म ही नहीं है, मल्ला याअलम, और मन आमिला मन आलिमा वलम याअमल, जिसके पास इल्म तो है लेकिन वो अमल नहीं करता, ये जाहिल है. और आलिम वो है कि जिसको इल्म भी है और अमल भी है उसका. आप क्या कह रहे थे? मैं इसी को फर्दर कह रहा था कि जैसे साहबा कराम ने 8-8 साल एक साहबी मतलब सूरह बकरा पे सिर्फ लगा दी. यू नो इमेजिन करें हम लोग अपने आप को अगर देखें, यू नो कि हम जब कुरान की आयत पढ़ते हैं उनको समझते हैं, हम उसको फौरी तौर पे अप्लाई करने का सोचते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे. बिल्कुल. और अगर हम कित और अगर सोचते भी हैं तो कितनी एफर्ट करते हैं उसको अप्लाई करने में. सही बात. हम लोग कितनी जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन करते हैं. फिर मुझे फीलिंग ये आती है कि जब आपकी वो अमल में चीज़ आना शुरू हो जाए ना, तो आपकी ज़बान से जब वो किसी को आप बताएंगे भी या किसी पे जब वो आप करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करेंगे, तो उसका असर बिल्कुल डिफरेंट होगा. बिल्कुल. एंड मे बी शायद आज हमारी उम्मत की जो हालत है उसकी एक वन ऑफ द रीज़न शायद यही है कि हमारे वो कॉल में वो उस तरह की वो जैसे कहते हैं ना रगों में आयात और कुरान हमारे नहीं है. हमारे यहाँ एसेंस मुख्तलिफ है ना. हमारे टारगेट्स हैं कि कुरान आपने मुकम्मल तिलावत ख़त्म कर ली है, अच्छा जी कर ली है, तफसीर भी ख़त्म कर ली कर ली है. हमारे टारगेट्स दुनियावी तालीम में भी हमारा ऐसे ही है ना, कोर्स कम्प्लीट हो जाए, एग्जाम पास हो जाए, उसमें भी एक्चुअल बेनिफिशियल इल्म वाला वो खत्म हो गया, बस डिग्री मिल जाए, सीजीपी आ जाए, आता जाता आता जाता होगा शायद. ऐसे ही किया था आपने भी शायद. मैंने तो ऐसे किया था या नहीं, लेकिन आई थिंक सम सब ऐसे करते हैं. आप यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ते हैं जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखते आपको कुछ पता नहीं होता ब्रो. अभी आप अलवी से पूछे ना मास्टर में क्या सीखा था. पहली आयत पे जाते हैं हमने लुकमान को हिकमत दी अनशकुर लिल्लाह, यानी सुभान अल्लाह. कि जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत क्या थी कि वो अपने आप को हर टाइम ये कह रहे हैं कि बी ग्रेटफुल टू अल्लाह, बी ग्रेटफुल टू अल्लाह. और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शुक्र करता है तो वो फ़ाइनमा यशकुर नफ्सी, अपने नफ्स के लिए करता है. आप ये नहीं देख रहे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वलकद आतैना, हमने अता किया, अल्लाह की देन है. हाउ ब्यूटीफुल. एग्जैक्टली. बिल्कुल. और हिकमत अनशकुर लिल्लाह, यानी द पॉइंट इज के वी बेस्टोड विजडम टू लुकमान. अच्छा ये सेंस मेक नहीं करता. गिव थैंक्स टू अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है. यानी अ पार्ट ऑफ हिकमा इज बीइंग शाकिर. हिकमा इज इक्वल टू बीइंग ग्रेटफुल टू अल्लाह ब्लेसिंग्स. द मोर यू आर ग्रेटफुल, योर ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हिकमा टू अल्लाह. वो बात कंप्लीट हो रही है जैसे कहा ना अभी भाई ने कि वलकद आतैना, हमने दी है, तो सर्कल पूरा हो रहा है. शुक्र भी अल्लाह ताला की तरफ ही जा रहा है. अगर हमने दी है तो किसको शुक्र अदा करना आपको इनफैक्ट आज का ही वाक्य है सुभान अल्लाह. मतलब बड़ा ही ना अजीब सी मस्जिद में बल्कि एक भाई थे. अक्सर होता है ना लोग मांगते हैं नमाज खत्म होने के बाद, तो आज बल्कि तरावी के एंड पे उन्होंने एक भाई से उठे, दाढ़ी थी बड़ी सी, एजेड थे, उनके हाथ गोद में एक बच्चा. और सुभान अल्लाह यार मेरे तो ना देख के रोंगटे खड़े हो गए. उस बच्चे की टांगें भी कुछ टेढ़ी सी थी और उसकी कुछ यहाँ पे कुछ ड्रिप टाइप चीज़ें भी लगी थी और बिल्कुल उसका ना बच्चे का फ्लैट से एक्सप्रेशन. तो खैर मैंने बाहर जाकर भाई से जब पूछा ना, मैंने कहा इस बच्चे को एक्चुअल में इशू क्या है ना, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था ना बच्चे रोते हैं ना, तो कहते ही डिड नॉट क्राई
और उसकी कुछ रीज़न होती है कि जब वो क्राई करता है तो बच्चे कुछ आई डोंट नो क्या हो, कुछ मेडिकली कुछ चीज़ें होती हैं ब्लड से, तो उसकी कुछ वो चीज़ नहीं हो सकी. एंड नाउ दिस बॉय हु इज़ ऑलमोस्ट 12 ईयर ओल्ड और ही कांट मूव, बस गोद में है, लेटता है, वो कहते हैं ये पीता है सिर्फ, खाता भी प्रॉपर तरीके से नहीं है और इसकी बस मेडिकेशन की बेसिस पे ये चल रहा है. एंड मैं आपको बताऊँ, बल्कि सर लुकमान एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है ना इसमें, एज अ फादर ना मैं बताऊँ, मेरे तो दो मिनट के लिए ना बस कांपने वाली स्टेट आ गई. यू नो इमेजिन कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारी औलादों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कि हमारे बच्चों को कुछ दिनों के लिहाज से कोई प्रॉब्लम होना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता. सही कह रहे हैं. दिस फादर इज हैविंग दिस सन फॉर 12 इयर्स और वो गोद में उठाया और बच्चे की शक्ल थी ना वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, इस तरह करके ना फ्लैट शक्ल देख रहा था. बड़ी आजमाइश है. और मैं बस बाहर मजे से ना शुक्र करते ही निकला हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम पे ये इस किस्म की आजमाइश नहीं डाली. तो शुक्र जो है ना, मुझे तो लगता है यार जितना जितना भी कर लेना कम है, बिल्कुल जितना भी कर लेना. मुझे ये फीलिंग ऐसे आती कि अल्लाह ताला की जहाँ बेहिसाब नेमतें हैं ना, अगर इंसान लट से सारी ज़िंदगी सजदे में भी गुजारता है ना, आई फील कि अल्लाह ताला की उसमें भी ना, उस पैरामीटर में भी एक नेमत का भी शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता. नहीं, ऐसे ही बिल्कुल अच्छी बात है. तो देखिए ना, अब सुभान अल्लाह, हैविंग सेड दैट, अगर एक नेमत का भी सही हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे तो जन्नत हम देखें ना, हम कितनी आसानी से समझ लेते हैं कि यार जन्नत हमारी मिल्कियत है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं कि एज इफ हमारे जो है वही बात है ना कि सेल्फ मेड टाइप जो कॉन्सेप्ट है कि यार मैं ही मैं हूँ. ब्रो जैसे कुरान में कुछ दुआओं का कहा गया ना कि ये कहें कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, है जैसे ये जो दुआ है ना, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया वअला वालिदैया वअन आमला सालिहन तरदा, या रब तू मुझे तौफीक दे और हिम्मत दे ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ. यानी अल्लाह की तौफीक का सवाल करना कि शुक्र कर सके, कुफर का अपोजिट शुक्र है ब्रो. आज मैं तफ़सीर में ना पढ़ा, शुक्र जो है ना, जितनी भी बातें शुक्र के बारे में होती हैं ना, वो पांच चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करती हैं. तफ़सीर कासमी थी कोई, उसका रेफरेंस दिया हुआ था और वो ये था कि सबसे पहले जो शाकिर होता है ना, शुक्र करने वाला, उसको आजिज़ होना चाहिए, ह्यूमिलिटी. ये जो अभी खुर्रम आपने बात की ना, ये देख के आप में सडनली क्या फीलिंग आई होगी, ह्यूमिलिटी, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी, यू नो, कि हम तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला अगर ऐसी बेबसी भी फील होती है ना, बेबसी भी हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते. तो एक तो शाकिर का जो है ना वो आजिज होना, दूसरा जो मशकूर है आपका, सॉरी मशकूर कह रहा हूँ, जो आपका देने वाला, देने वाला है, उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना. तीसरी चीज़ है कि उस नेमत का बार बार एतराफ़ भी करना, ठीक है, कि उस अल्लाह ताला ने ये वाली नेमत दी है. और चौथी चीज़ है उस नेमत पर, उस नेमत देने वाले की तारीफ़ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना. और पांचवी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस नेमत को वहाँ इस्तेमाल ना करना जहाँ जिस चीज़ से उसने मना किया है, उसका सही ये पूरा जो है ना शुक्र है. ये सब चीज़ें जब आप किसी चीज़ के साथ करते हैं ना, तो फिर आपने कम्प्लीट शुक्र का हक अदा कर दिया. लेकिन इंसान है कैसा, हम लोग कैसे हैं अल्लाह ताला हमारे बारे में ना, यानी एक मोहर लगा रहे हैं कि तुम लोग इन्नल इंसान लज़लूम कफ़ार, मैंने क्या तुम्हें किया, वो आता को मिन कुल्ली मा सअलतुमू, मैं तुम्हें हर चीज दी. और ये अल्लाह ताला की बात है कि तुम्हें, तुमने जो नहीं मांगा ना मुझसे, मैंने तुम्हें वो भी दिया. इन तअद्दु नेमत अल्लाह तुहसुहा, तुम अगर काउंट करना चाहो तुम काउंट नहीं कर सकते हो. यानी इफ यू कैन स्टार्ट काउंटिंग द नेमत्स वी हैव इन लाइफ ब्रो, वल्लाह. अच्छा, हमने कभी थैंक यू यार तुमने मुझे हिदायत दी है, या अल्लाह तूने अभी तक मेरे पे तौबा का दरवाजा खोल के रखा है, कभी हमने यानी ये अल्फाज कहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तौबा के दरवाजे मुझ पर तभी तक खुले हुए हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे गुनाहों को अभी तक छुपा के रखा है, और अगर वो ना छुपाया होता तो मेरी बदबू की वजह से, गुनाहों की, लोग मेरे पास ना बैठते. अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझ जैसे नकार नकम इंसान को इज्जत दी हुई है. यानी कितनी ही चीज़ें हैं, हालांकि अम्बिया का ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था. सलमान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त मंगवाया था ना, तो वो इफरीत जिन ने कहा कि मैं आपके उठने से पहले ला दूंगा, और एक और इल्म जिसको दिया गया था एक शख्स को, उसने कहा फला झपकने से पहले ला दूंगा. जब वो आ गया ना, तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक तख्त आ गया, यानी किस कंट्री से. तो हम क्या होते कि यार देखो ये मेरा कमाल देखो, लेकिन क्या कहते हैं, कौल हाजा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुअनी अशकुरा मकफूर, अल्लाह का फजल है मुझ पर. अल्लाह हर चीज़ अल्लाह से जोड़ते थे वो, यानी ये भी काउंट करना नहीं है, इट इज व्हेन यू गैदर स्टफ सो दैट यू
count in the step number two. So step number one is you gather all the stuff. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala is saying you cannot even gather all of the blessings. Exactly. Let alone counting. Bilkul. You can't gather on one table so that you can count. Exactly. तो एक तो ये है कि हम शुक्र अदा नहीं करते और काउंट भी नहीं कर सकते और फिर यानी अल्लाह ताला को पसंद है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब की जाए. अभी आजकल हम कुरान तरावी में पढ़े हैं ना, उसमें बार बार आता है कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं था, वमा रमाईता इथ रमाईता वलाकिन्ना रहा रमा, तुमने नहीं फेंका, ये फरिश्ते को तो हमने भेजा तुम्हारी सिर्फ ऐसे दिल को हौसले के लिए, असल तो फतह हमने तुम्हें दी थी. यार ये बड़े जबरदस्त है, वमन नसरु इल्ला मिन अल्लाह. बिल्कुल, सुभान अल्लाह. यानी सहाबा वो आज उन्होंने पढ़ा कि जब हुनैन के मौके पे तुम सहाबा जो थे अपनी तादाद में फख्र कर रहे थे और फिर तुम्हें पलट के कोई काम नहीं आई, क्योंकि तुमने यानी अल्लाह को ये भी पसंद, अल्लाह ताला कैसे तरबियत कर रहे हैं, अल्लाह को सहाबा का ये अमल भी पसंद नहीं आया कि तुमने अपनी तादाद पे फख्र किया, अपने असबाब पे, अपने जो बिल्कुल अल्लाह ने तज़किया किया और वो पलट के भागे. फिर अल्लाह ने कहा कि अब मैंने फिर जब दिए ना अपनी मदद, फिर तुमने जंग जीती. यार आप ये देखिए कि अल्लाह ताला का ना सहाबा किराम के साथ मामला कितना सख्त होता है. अल्लाह हू अकबर. हम क्या कुछ नहीं करते ब्रो, इसमें मुझे लगता है कि कुछ मैं क्या कहूँ यार, सुभान अल्लाह, हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों की इतनी इतनी बात पे भी पकड़ की है. हमारे लिए उन्होंने एग्जांपल सेट करनी है ना, हमारे लिए सहाबा इज दे वर द बेस्ट ऑफ पीपल, दे वर विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे सॉ एवरीथिंग फर्स्ट हैंड. और दूसरी बात ये चीज़ समझ में आती है कि एक बंदा फौजा साथ में जिक्र आया था, मेरा शुक्र करो, मेरा शुक्र करो, मैं यार ही नीड्स माय शुक्र मैन, ही नीड्स इट, इसको शायद डोपामिन मिलता है या खुशी मिली है मैंने दिया. अल्लाह ताला कहते हैं कि वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्न रब्बी गनीयुन करीम. अपने लिए तुम कर रहे हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए. वो हदीस आप बयान करते हैं ना, वो है ना कि अगर वो सारे के सारे इंसान शुरू से लेकर इंसो जिन, अगर इस तरह उनका दिल बन जाए जो तुम में से सबसे बेहतरीन तकवा के मुकाम पे पहुंच जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिल हो जाए. वो एक वो हदीस पढ़ें जरा, जो कुल या इब्न आदम कुल्लुकुम आर, पूरी ब्रो है तो बड़ी लंबी हदीस, वही वो पोर्शन पढ़ें. मैं ये पोर्शन पढ़ता हूँ यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ना पुकारते हैं या इबादी, ओ माई स्लेव. यार पहले देखे ना, पुकारने का अंदाज चेक करें आप, तुम मेरे स्लेव्स हो, तुम्हारी क्या औकात है. या इबादी ओ माई स्लेव्स, लव अन अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानु अला अतका कल्बि रजुल वाहिद मिनकुम मा ज़ाद ज़ालिक फी मुल्की शैया. कि ए इंसान, अगर तुम्हारे सारे के सारे इंसान, पहले इंसान से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जो भी आखिरी इंसान आएगा, सारे इंसान, सारे जिन्नात उस दिल के मानिंद हो जाएं, यानी सबसे जो अच्छा दिल है, सबसे अच्छा दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की मानिंद हो जाएं, मा ज़ाद ज़ालिक फ़ी मुल्की शैया, इससे मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं होगा. शैया यानी कोई भी, यानी यार कॉमन है, वल्लाह बात बड़ी लंबी हो जाएगी, सुभानअल्लाह. ये नहीं तुम्हारे माइंड में कोई भी आता नहीं कि यार देखो मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ, मैं देखो मैंने रोजे भी रख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों की हिफाजत भी कर रहा हूँ. You are doing it for yourself. غنیون کریم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگر ذرا فرماتے ہیں, یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر, یعنی افجر کہ سب سے زیادہ فاسق اور فاجر, سب سے خراب دل کے مانند ہو جائیں, ٹھیک ہے, افجر قلب راجل واحد منکم ما نقص ذلك من الملک شیئا, اگر تم سب کے دل فرعون جیسے ہو جائیں, جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اگر تم سارے کے سارے فرعون بن جاؤ نا, ما نقص ذلك من الملک شیئا, میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یار آپ دیکھیں اتنا الغنی, اس میں پریز بھی ہے, میری پریز میں بھی کمی نہیں آئے گی, میرے پاس ٹریلینز آف اینجلز ہیں, تمہیں کیا جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست وہ آگے ایک وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اپنی نعمتیں گنواتے ہیں, اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی انسان جب نہیں نا سمجھ رہا ہوتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَا اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اے انسان اگر تو ابھی بھی نہیں نا سمجھ رہا, اگر تو نے منہ پھیر لیا میری طرف سے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, ہم تجھے چینج کر دیں گے اور ایسے لوگ لیں گے تم اللہ یکون امثالکم, وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ صحیح بات ہے, واللہ اٹس ا بگ وان. ہم دیکھیں کہ ایٹیٹیوڈ آف پروفٹس دیکھیں اور ایٹیٹیوڈ آف قارون دیکھیں. پروفٹس کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ رب کا فضل ہے. نبی کہہ رہے ہیں جن کو اتنا کچھ دیا گیا, اور قارون کے الفاظ دیکھیں, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو سب مجھے ملا ہے نا یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے,
मेरे में क्वालिटीज ये थी, मेरे पास डिग्रीज ऐसी थी, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने ये सब कमाया है। यानी कारून की पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है? अपनी तरफ मैं है ना इसके अंदर, हाँ मैं। और हमारे कितने लोग जो आज कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, दे आर ऑलवेज सेइंग मैं यार। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में छोड़ दें आप, वैसे ही देख लें, छोटा छोटा आप कारोबारी बंदा देख लें, दुकानदार देख लें, ये जो मैं है ना, ये दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। और ये बहुत, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारी अगली जनरेशन में चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो रही है, कि बिकॉज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फीलिंग ना, कि जो भी मैं अचीव कर रहा हूँ ना, वो मेरी अपनी ज़ात की वजह से, मेरी अपनी काबिलियत की वजह से, या मेहनत की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से। और यहाँ पे हम भी देख रहे हैं, हम सबसे पहले कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमने उसको अल्लाह ताला से लिंक करना है। एग्जैक्टली। और इसी में जब मैं आती है ना, तो फिर इंसान ना, इंसान अल्लाह से कट जाता है फिर। Exactly. यानी फिर अल्लाह का बागी इंसान बन जाता है। हालांकि हमारे दिल ब्रो अल्लाह ने बनाए इस तरह से है कि आर हार्ट्स फील लव फॉर द वन हु गिव्स लव टू दिस हार्ट, हु गिव्स ब्लेसिंग्स एंड लव टू दिस हार्ट, एंड व्हाट अबाउट द वन हुज नेम इज अल वदूद, जो इतनी मोहब्बत करने वाला। असल में वो बात वही आ जाती है, यहाँ से हमने पॉडकास्ट की थी जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ था। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड। अगर हम लोग बार बार आई थिंक अल्लाह ताला का तारुफ करते रहे और समझते रहे ना कि हु अल्लाह सुभान ताला इज, तो बाकी जितनी बातें ना, उसकी अकल समझना फौरी तौर पर खुद खुद ही आना शुरू हो जाती है। तो अब अगली बल्कि आया था, अगले पढ़ते हैं इंशाल्लाह। वह इज़ क़ाल लुक़मान लिबनीही वहुवा यईज़ुहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि जब लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कह रहे थे, वहुवा यईज़ुहु, जब उनको वसीयत कर रहे थे, वाज़ कर रहे थे, क्या मेरे बेटे, सबसे पहले नसीहत देखी ना सुभान अल्लाह, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने बच्चों को ना कुछ समझाने से पहले ना प्यार करो, कहते ना थप्पड़ मारने से पहले झप्पी दो, ये मिसाल है, थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए, वो ये कि जरा झप्पी डालो। और लुक़मान क्या कह रहे हैं, या बुनैया, ओ माय स्वीट किड, प्यारा बच्चा, मेरा बिलवेड बच्चा, जैसे वो या अबती था ना, या अबती जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा था, दे ऑलवेज एंड यू नो, ये तरबियत का प्री रिक्वायरमेंट है गुड रिलेशन। या आप नोट कर लें, यूसुफ अलैहि सलाम के अपने वाले साथ, वहाँ पे उन दोनों के आपस में इसी तरह या बती या बुनैया, और बाकी अम्बिया कराम का भी ऐसे ही है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये हम एज पेरेंट्स ना, जब भी इसमें है कि पेरेंट्स जब बच्चों को नसीहत करें, किसी को भी जब नसीहत करें, यू नो, नसीहत के अंदाज में दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू, आप दूसरे को क्या कहते हैं, बुलाते किस अंदाज में, एक है सिंपल बात सुने या इस तरह करके भी, या नाम लेके भी कुरास, लेकिन एक है मोहब्बत के अंदाज से, एक लव करा के, दूसरा बंदा ना ऑटोमेटिकली इज नाउ मोर रिसेप्टिव टू लिसन टू योर एडवाइस। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ एक छोटी से स्टार्ट से मोदस पर्सपेक्टिव है, इसको अगर एक और अंदाज से देखा जाए, इसमें मेरे ख्याल से कोई एग्जैजुरेशन नहीं होगी कहना कि माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा जो उनको महबूब होते हैं उनकी औलाद होती है, ठीक है, और औलाद के लिए हमेशा वो खैर ख्वाही चाहता है, जो वो चाहता है ना कि मेरे लिए जो अच्छा है वो एज इट इज़ वो अपनी औलाद में कन्वे करना चाहता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लुक़मान यानी ही वाज़ सो वाइज कि जो जिस तर्स पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी ना, कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग नहीं कहनी चाहिए, दी बेस्ट थिंग जो जो उनकी जिंदगी का क्रक्स था, उन्होंने एज इट इज सबसे पहले जो वसीयत की ना अपने बेटे को बताई है, वो नहीं है, ऐ मेरे बच्चे सब कुछ कर लेना, वो बाद की बातें, लेकिन अल्लाह ताला के साथ किसी को शिर्क मत ठहराना। अल्लाह ताला को कितनी प्यारी बात लगी होगी, सुभानअल्लाह। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, ये जो पेरेंटिंग का तरीका है ना, वो जैसे लुक़मान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, यानी एक तो वसीयत करते और इतने प्यार से बुलाते हुए, अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि तरबियत का उन्होंने रूल बता दिया कि फर्स्ट 7 years लव देम, लव योर किड्स, बस उनको मेयार मोहब्बत दें, नेक्स्ट 7 years टीच देम, एंड नेक्स्ट 7 years बी देयर फ्रेंड्स, उनके जिगरी दोस्त बन के रहे। और आजकल लेटेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजी एग्जैक्टली ये बातें करती है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हालांकि हमारे अहल बैत ने और सलफ सालही ने बातें कर दी, सुभान अल्लाह। और सबसे पहले यानी शिर्क को रखना, सुभान अल्लाह, यानी शिर्क जो है ना, लज़ुल्म अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह है। ज़ुल्म उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे वो अरबी में कहते हैं वज़ शय फ़ी गैर महली, वज़ कहते हैं रखना, किसी चीज़ को आप ऐसी जगह रख दें फ़ी गैर महली जो उसकी जगह ना हो,
तो जुल्म इस चीज को कहते हैं। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा जुल्म है कि कुरान में आता है कि लिखा हुआ है इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरिक बिही व यगफिरु मा दुन ज़ालिक लिमन यशा, शिर्क में माफ नहीं करूंगा और मैं जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। अगर तुम मर के आ गए ना इस हालत में कि शिर्क करते हुए, इसको मैं माफ नहीं करूंगा। इसमें इसको बाकी जिस तरह ये तलब बताया ना कि जुल्म सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि आप मेरी बहन ने बात की ना कि उसको उस जगह पे रखना जहाँ पे उसका जगह नहीं बनती ना, तो आप अल्लाह ताला की मकाम देखें ना, आप अल्लाह ताला का मकाम देखें, उसके करीब करीब भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप किसी को उसके मकाम पे लेके चलेंगे, उनके साथ किसी को शरीक कर दें, तो दिस इज लाइक वेरी क्लियर, इससे बड़ा जुल्म आप कर ही नहीं सकते। मतलब दुनिया में आप किसी चीज को गलत जगह पे रख दें, किसी चीज को, किसी बंदे को ज्यादा आप इज्जत दे दें, किसी को कम, मतलब कुछ भी आगे पीछे कर दें, वो कहीं भी उसके करीब नहीं पहुंच सकते। डे वन से लेके जितने भी अंबिया आए रसूल आए उनकी यही दावत है, पहली दावत दी या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, सिंपल कि ये अल्लाह ताला की इबादत करो, तुम्हारा उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। और ये सुभान अल्लाह वही चीज रिपीट हो रही है, जितनी बड़ी ये इबादत है ना, और जितनी बड़ी सॉरी ये वो है, सॉरी क्या कहना चाहिए, नसीहत है या कमांडमेंट आप समझ लें, उतना ही ज्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे, बिल्कुल एग्जैक्टली, स्पेशली मुसलमानों की। हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुए, हमने सारे अल्लाह ताला एक है, और बस हम बस इसके आगे नमाज और बाकी चीजों में आ जाते हैं, इसको हमें सिर्फ लिटरली पता है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। पीपल जनरली डोंट नो व्हाट डज इट रियली मीन, बंदा कसम सीरियसली कभी कभी ना सिर्फ इबादत करते हुए ना इमेजिन करे कि मैं कितना, मतलब मैं कभी अपने लिए ये करता हूँ, इट वर्क्स फॉर मी, कि मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं कमरे में बैठा हूँ, फिर काइंड ऑफ जूम आउट, और मैं इस तरह दुनिया के अंदर देखता हूँ मैं इतना से रह गया, फिर करते 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 फिर अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जब बंदा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो इमेजिन ही नहीं हो पाता, फिर आपको लगता है यार मैं हूँ क्या भाई। मतलब आप अपनी जोन सी मर्जी, जितनी से बड़ी से मर्जी सलाहियत को भी ले लें, या अपने बारे में जो भी आप सोच रहे हैं, इवन ये भी सोच रहे हैं मैं कितनी अच्छी बात है, आपको लगता है यार मैं क्या हूँ, क्या कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ यार मैं, मतलब। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जितना शायद बंदा यहाँ से एज के साथ बढ़ता जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, आपको उतना बेबसी ना, मुझे एटलीस्ट उतना ज्यादा फील होने शुरू है कि यार मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कितना हर मामले में, वेदर इट भी किसी को कोई बात मनवानी है, किसी को बात समझानी है, अपने बच्चों को, बड़ों को, जिंदगी माल कमाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मतलब यू आप अपनी हर वक्त आपको ना नजर आ रही है कि मैं हर मामले में सुबह से लेकर रात तक कितने मामलों में बेबस हूँ। आजकल तो वैसे ही आधे लोगों को काम रिलेटेड फोन करते, फोन नहीं उठाते, मतलब काम ही नहीं हो रहा। ये आपकी जो ये समझ है, ये आपको दीन की जो बसीरत है ना, उसके बदले में ये आपको चीज़ मिली है। अगर हालांकि यही मामला दुनिया में सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन वो लोग जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है, अल्लाह का तारुफ नहीं है, वो इस चीज़ को ऐसे नहीं समझते। वो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, फ्री विल की बेसिस पे कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से हो रहा है सब कुछ, जो बुरा भी हो रहा है ओहो मैंने क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए अच्छा किया तो उसमें अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल कर ली है। अल्लाह ताला इज ड्राइविंग योर लाइफ एंड ही इज गिवन यू ओनली वेरी वेरी लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्री विल, बहुत ज्यादा वेरी लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्री विल, और उसी में आपने खेलना है, और उसमें आपने एसोसिएट अल्लाह ताला के साथ करना है। और इंसान ना खुद भी जानता है, यानी ब्रो कभी कभी ना इवन जब दीन से बंदा दूर भी होता है ना, तो इंसान को लगता है कि यार मैं बेबस हूँ, बेबसी का आलम एक ना आता है लाइफ में कि यार मैं बड़ा बेबस हूँ, कुछ भी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है उसको कि यू कैन डू इट एंड पुश इट और यू जस्ट डू इट, फिर वो अपने पे बिलीव करता है। हालांकि ये इंसान जो बेबस है, और हर इंसान बेबस है, तो तूने एक बेबस इंसान को रब गनी से कैसे मिला दिया। अच्छा, और दीन में गुमराही ब्रो दो वजह से आते हैं, एक गुलूफ करने से और एक तनकीज करने से, किसी को नीचे कर देना उसके स्टेटस से और किसी को उठा देना। और हम लोग अक्सर यानी कुछ सहाबा को, अहले बैत को या कुछ औलिया को नाउज़ बिल्ला यानी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उनको इतना ऊपर कर देते हैं कि उनसे औलाद और रिस्क मानना शुरू कर देते हैं कि जहां तक शर्त की बात पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, ईमान का हिस्सा, उन्होंने मना किया कि मेरी तारीफ में गुलूर। ब्रो हदीस में आता है अला उनबियुकुम बि अकबर अकबर अल कबायर, क्या तुम्हें मैं ना बताऊं सबसे कबीरों के कबीरे का, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह से शिर्क करना। तो मल्टीपल टाइम्स में कुरान बार बार, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह। वसैनल इंसान बिवालिदैही हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी अमैन अनशकुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर, सुभान अल्लाह। और हमने इंसान पे यानी अल्लाह ताला ने अब वसीयत की, अल्लाह ताला अपनी बात को यहाँ पे बीच में लेके आ रहे हैं कि अपने अपने माँ बाप से ना किस तरह से तुमने बिहेव करना है, कि वो हमलत वहन कि तुम्हारी माँ ने ना तुम्हें शी बोर यू वीकनेस अपॉन वीकनेस, ठीक है,
और वफिसाल हुफी आमीन और 2 साल दूध पिलाया। दोबारा कहते हैं अनिश्कुर ली, दोबारा शुक्र लेके आते हैं, वाली वालिदै का इलैयल मसीर, और अपने वालदैन का शुक्र अदा करो, मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालदैन का भी शुक्र अदा करो। खुश नसीब वो है ना वैसे वल्लाह जो अपने नसीब पे खुश है, यानी शुक्र तो ये है। और पेरेंट्स की बात है सुभान अल्लाह, जैसे हमेशा मैंने देखा नोटिस किया कि हमेशा शिर्क के बाद ना पेरेंट्स आते हैं, हदीस में भी है, हदीस में भी है कि पूछा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला आमाल कौन से हैं, फरमाया गुनाहों का जिक्र है, सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है, कहा अल्लाह के साथ शिर्क करना, फिर अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करना। सो पेरेंट्स यार सुभान अल्लाह बहुत बड़ी यार, यही मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है कि देखें अगर एक बंदा बात कर रहा हो ना और बहुत सीरियस बात हो रही हो, अब शिर्क से ज़्यादा सीरियस बात नहीं हो सकती, और अगर इन द सेम ब्रेथ जो अगली बात आ रही होगी हम सोच भी नहीं सकते कि यार वो इररेलीवेंट हो, बिल्कुल हाँ मेरी बात समझ रहे हैं, वो क्या वो आयत है वक़दा रब्बुका अल्लाह तअबुदु वक़दा रब्बुका अल्लाह तअबुदु इल्लाह, देखिए वक़दा अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया गया है, अल्लाह तअबुदु इल्लाह इय्या, सिर्फ उसी की ही इबादत करना, व्हाट इज द सेकंड थिंग, वबिल वालिदैन इहसाना। अच्छा देखिए ना ये जो एहसान है ना ब्रदर, वल्लाह मैं आपको बताऊं, यानी बेयर मिनिमम क्राइटेरिया तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या होना चाहिए, एहसान क्या होना चाहिए, इसका अंदाजा पता कहाँ से लगा लें, अल्लाह ताला ने अभी हमने शिर्क की बात की ना, ज़ुल्म नज़ीम का इतनी बड़ी बात की है, अगली आयत जो है ना उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये वालदैन तुम्हें शिर्क का हुक्म देना तो फिर तो होना ये चाहिए था, कीपिंग इन माइंड प्रीवियस जो शिर्क की जो वो हुरमत है उसको जहन में रखते कि वालदैन से कट ऑफ कर दो, उन्हें कत्ल कर दो, और ये होना चाहिए था ना, उनको कहा है कि उनके साथ बात तुमने आराम से करनी है, उनका वो हुक्म बस मत मानो, वो इतना ज्यादा है कि वो जो सबसे बड़ा गुनाह है अगर वो करने का तुम्हें हुक्म वो देते हैं तो तुमने ये नहीं है कि उनको कत्ल कर दो, उनके साथ एहसान फिर भी करना है, एहसान फिर भी करना है, नर्मी फिर भी करनी है, बस वो हुक्म नहीं मानो। अच्छा ये कहा स्टेटस, ये भी नहीं कहा सिर्फ कहना है उनको, बल्कि व इन जहादा का अगर तुम्हें कोशिश करें, स्ट्राइव करें तुम्हें शिर्क करने पे, अला अंतुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतअहुमा, शिर्क फिर भी नहीं करना चाहे माँ बाप भी, उनके साथ रहना फिर दुनिया मारूफा अच्छे तरीके से। अच्छा यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नो पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स मेजोरिटी के हमें इस लेवल पे नहीं कुछ भी कह रहे, लेकिन हमारा रवैया उनके साथ कैसा है कि हमें वो छोटी सी कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने उनके साथ जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है ना वो एहसान का है, यस यू नो उफ भी ना कहना, एहसान करना, यू नो इसको ना हमें थोड़ा सा इंटरनलाइज करना चाहिए कि पेरेंट्स का मकाम क्या है, और औलाद के लिए पेरेंट्स नीड टू बी अल्लाह ताला के बाद ना एक बंदे के लिए उसके लिए यू नो दुनिया में उसकी जिंदगी में पेरेंट्स अगर अलाइव हैं ये उनकी जन्नत है। एक्चुअली देखिए ना दे कैन टेक देम टू जन्नत, बात ये एहसान यानी क्राइटेरिया जो दे दिया गया ना एहसान का दे दिया गया है, एहसान क्या कहते हैं ब्रो, आपने मुझे एक चीज दी है ना मैंने बढ़ चढ़ के वो लुटा दिया आपको, पहले तो हमें इस बात समझ लेनी चाहिए, मुझे बातें समझनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स का एहसान नहीं चुका सकते, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द इवेंचुअल रिजल्ट आउट ऑफ इट, कि आपको सारी जिंदगी उनकी खिदमत करनी है क्योंकि आप एहसान तो नहीं जितला सकते, और देखे ना कितने जबरदस्त गाइडलाइन दी गई है ये सूरह इसरा में कि वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ, ये स्टैंडर्ड है ब्रो, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अच्छा उफ क्या है ब्रो, ये नकिरा है कॉमन नाउन है, उफ के तरीके की कोई भी जो अल्फाज है ना सिमिलर, आपने अपनी जुबान से कोई उफ, जब देखा हम तो उर्दू में कहते हैं ना उफ, कोई ऐसा कलिमा नहीं निकालना, यानी सोलो एनीथिंग व्हिच इज डिसप्लीजिंग टू देम, मे इट बी अ जेस्चर और आईब्रो का इशारा है, दो आईब्रो रेज करना ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल ने कहा एक्सप्रेशन, हां एक्सप्रेशन भी आपका सिर्फ रुखसार थोड़ा सा ये भी हो जाए या कोई डिस्गस्ट किसी किस्म की भी, आप फेस जो सबसे कम चीज, क्यों, क्योंकि उसने वाहन अला वाहन बेटा, आपको उसने जो है ना वाहन बोझ के ऊपर बोझ, पहला वाहन क्या प्रेगनेंसी का वाहन वीकनेस के, इंसान के मूड स्विंग्स आए होते हैं, इंसान के नींद पूरी नहीं हो रही थी ब्रो, बोझ उठा के रखना और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने शुरू हो जाना, 9 months ये ब्रो अपने साथ वो बोझ रखना, और फिर आला वाहन और फिर डिलीवरी ब्रो, कितनी बोन्स के ब्रेक होने का, इमेजिन अ लिविंग बॉडी
inside our own body for a moment. As men, can we even imagine? We would be so uncomfortable. अच्छा यहाँ से intensity पता ये चलती है कि दीन हमारा बताता है, if a mother she dies during the labor, वो एक शहीद count की जाएगी, यानी imagine करें. Bro, हम सब married हैं यार, हम सब married हैं और हमने अपनी wives को देखा है किस हालत में, यानी the way they walk, the way they sleep, उनकी vomiting, nausea. न्यूट्रिएंट्स से कमी होना, यानी दिस इज अ बिग सुभानअल्लाह वीकनेस उनके ऊपर. इट्स नॉट जस्ट यहाँ पे एंड नहीं हो रही ना, लेबर के बाद औलाद पैदा होने के बाद फीडिंग वाला पार्ट, दो साल तक अगर फीडिंग करा, अगर दो साल तक, तो दैट होल पीरियड इट्स मतलब आप ओवर अगर ऐड करना शुरू करें तो तकरीबन तीन साल भी बन जाता है, टू ईयर्स तो है ही है. एंड इट्स ऑल सो मच. और मैं तो आई थिंक बाहर में मैंने कोई वीडियो देख रहा था कि उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था, फादर्स को कहा कि उनको ना हम आपको इंजेक्ट करेंगे लेबर पेन्स, लाइक उनको ढेर सारी चीज़ें लगा लोगे ना बाहर आउटसाइड से, कि आगे अंदाजों की दर्द कितनी होती, कितनी उन्होंने कह यार कितनी होती होगी ना, यू नो. एंड वो कहते थे कि अभी वो 50% जब पेन वो बढ़ा रहे होते थे थ्रेशोल्ड ना, तो लिटरली वो जो दो यहाँ से फादर्स प्रैक्टिस करेंगे तो हम, और 50% कहते हैं स्टॉप इट, कहते नहीं हमने नहीं ट्राई करना, लाइक 50% क्रॉस करता. मैं तो जो वीडियो बड़ी पुरानी बात है देख के मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यार, और वो हट्टे कट्टे मर्द जिम टाइप वाले भी हैं कि कितनी ब्रोन फ्रैक्चर्स का, आई थिंक 46 है या ऐसा कुछ है कि बोन फ्रैक्चर्स का हो जाता है एग्जैक्टली पेन में आता है, उस पेन में कितनी जल्दी होती है. इसका देखिए रिवॉर्ड क्या है, सुभान अल्लाह, अगर पेन होती है रिवॉर्ड तो है ही है. इसके साथ साथ आप देखें, हमें ये बता दिया गया है, अ पर्सन केम टू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मेरे हुस्ने इखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तेरी माँ. अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी उसके बाद ही वॉज एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स, हो सकता है. अच्छा ठीक है, एक बार हो गया, बाप हो भाई हो जो भी हो, तेरी माँ, अल्लाह के नबी फिर कौन, तेरी माँ. थ्री टाइम्स ही सेड तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, एंड फोर्थ टाइम बोला उसके बाद तेरा बाप. ये नहीं अगर आप देखें कि एंड देन योर फादर, ये तो इंग्लिश ही बनी हुई है, एंड देन योर फादर, यार इतने बुरे तरीके से हमें कहा है तुम लोगों ने, हम भी तो कुछ करते हैं. यार एक शख्स है रसूल के पास बैत लेने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए, कहता रसूल अल्लाह मैं आपको बैत देने के लिए आया हूँ, एंड आई लेफ्ट माई पेरेंट्स वीपिंग, तो अल्लाह के नबी का वापस जाओ, इन्हें जिहाद करने के लिए वो आयत, बिल्कुल नहीं, ये इस्लाम इस्लाम कबूल करने के लिए आया था. आपने कहा वापस जाओ, मेक देम लाफ एज यू हैव मेड देम वीप, वापस जाओ. अच्छा जी ब्रो, हदीस में आता है ब्रो, इवन मूसा अलैहि सलाम का वाकया देख लें, उसमें सारा स्टोरी क्या मिलती है कि मूसा अलैहि सलाम के लिए मोहब्बत हजरत आयशा के दिल में डाल दी, ठीक है, और उनको उठा लिया, लेकिन मूसा किसी का दूध ही नहीं पी रहे, और माँ परेशान है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया, उनको फॉलो कर रही हैं और वो उठा लिया. मूसा किसी का दूध ही नहीं पी रहे, और वो जो लोंडी है वो कहती है कि मैं एक औरत जानती हूँ उसका शायद दूध पी लेगा, और सारी स्टोरी अल्लाह ताला ने प्ले की, पूरी इसको स्कीम ऑफ थिंग्स को प्लेस किया, वो जो है ना चेस जैसे वो करते हैं. वजह क्या, लिकैला तहज़न, ताकि माँ का दिल उदास ना हो, मेरा बेटा कहाँ पे है. अल्लाह ने सारा कुछ किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑनर्स a heart of a mother, and so does Muhammad sallallahu alaihi wasallam honors the heart of a mother. Kyun? Namaz ho rahi hai, unka bacha ro raha hai. Aap sallallahu alaihi wasallam ye nahi ke khawateen tum bacche ko chup nahi kara sakti ho ya kyun masjid mein laate ho, nahi, apni namaz chhodi gaye the. Allah honors the heart of a mother and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam honors, and so should we. Yaar acha ye mujhe baat mein badi zabardast lagi, aap dekhen hamara deen Islam kitna zabardast deen hai. Aaj jo so called women rights ki baat ki jati hai, डू यू नो कि ऐसे रिलीजन भी हैं वो कहते हैं कि जो वुमन को जो लेबर पेन होती है ना, शी वाई इज दिस थिंग हैपनिंग बिकॉज शी इज कर्स्ड, कि इसने जो वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था ना, तो अब अल्लाह ताला की यानी गॉड की तरफ से उसको सजा मिल रही है. अब देखिए हम दीन की जब बात कर रहे हैं, ये है वुमन, ये एलिवेटेड स्टेटस, ये वुमन राइट्स. इवन ब्रो अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया और कहते हैं कि हिजरत करके आया दूसरे मुल्क से, और कहते हैं मेरा मैंने कत्ल कर दिया, कोई है कोई निजात है? उन्हें सबसे पहले क्या पूछा, तेरी माँ जिंदा है? कहते नहीं माँ तो जिंदा नहीं है. फिर कहते हैं कि जा तौबा कर, नेक अमल कर, उसके बाद उसके अलावा कुछ. कहते हैं क्यों माँ क्यों पूछा आपने? कहते हैं क्योंकि आई डोंट नो ऑफ एनी एक्शन कि जो तेरे गुनाहों को माफ़ करवाते हैं सवाई अपनी माँ की खिदमत के. सुभान अल्लाह, वो जो है ना कि हदीस में आता है कि जो शख्स चाहता है कि बहुत ज़्यादा राइशसनेस मेंटेन करे, उसको चाहिए कि अपने बाप के रिलेटिव के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखे, और जो शख्स चाहता है कि अपने बाप के वफात पाने के बाद अपने बाप से सिला रहमी करे, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ वो रिलेशन मेंटेन करे.
यानी मैंने चाहता था बाप को भी ले आओ मैं यहाँ पे ताकि हम तेरा मामा करें तो ये खुद भी उदास ना हो जाए यार नहीं यार असल में मतलब दीन इज सो बैलेंस्ड ना इट्स सो इनक्रेडिबली बैलेंस्ड कि मैं मतलब इंसान के कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इवन आप नो इसमें देयर इज अदर पार्ट एज वेल अल्लाह ताला ने ना औलाद को कह दिया तुम लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है माँ बाप खिलाफ मतलब जरूरत सोचना भी मत डजंट मैटर तुम्हारी ये सोचना नहीं है कि माँ बाप सही कर रहे हैं आजकल बहुत सारे यंग लोग हैं वो कहते हैं आप पेरेंट्स हमारे इतनी जाती करते हैं गलत करते हैं इंसान है तो उनसे भाई दैट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस पेरेंट्स से उनके बारे में सवाल अपना होगा मतलब दैट दिस डज नॉट मीन दैट पेरेंट्स हैव अ राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट विद द किड्स किड्स आर नॉट देयर स्लेव्स नाउ उनसे उनके बारे में सवाल होगा भाई उनका हक अदा किया उनकी सही परवरिश करना उनसे मोहब्बत करना इसी में अभी हम जो हां इन्फ्लेटिंग नहीं एग्जैक्टली मतलब इसमें अभी हमने पिछली आयत में हम ये तो डिस्कस किया कि बच्चे को नसीहत कैसे करनी है बाप अपने बेटे को कैसे नसीहत कर रहा है मतलब ऑल पेरेंट्स शुड आल्सो थिंक कि हम अपने बच्चों को औलाद को कैसे हम अगर दो दो लगा के नसीहत कर रहे हैं हम भी पेरेंट्स हैं तो हमने वालिद जो है अपने अगर एक बेटे को जो तोहफा देता है और दूसरे को नहीं देता तो इस पे पूछा जाएगा बिल्कुल ऐसा ही एंड ये चीज जो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं ना मुझे मतलब ये जिस तरह अल्लाह ताला ने तीन दर्जे मां को दिए फॉर और साथ एक्सप्लेन भी कर दिए क्यों बाप को दर्जा दिए और इवन वो जो हदीस है जिसमें एक शख्स अपनी बाप की शिकायत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है अगर वो जो शेर है ना अगर किसी को याद है तो उसी तरह पड़े पीछे नशीद लगा के अल्लाह किसी तरह आप करिएगा लेकिन दैट वाज सो पावरफुल बिकॉज़ के एंड में नबी सल्लम कहते हैं कि उस शख्स को कि तू और तेरा माल तेरा सब कुछ तेरे बाप का है मतलब यू बिलोंग टू योर फादर यू नो बडी मतलब बाप की भी जो अल्लाह ताला ने दर्जे ना वो बहुत हाई है मतलब कभी कभार हम माँ को तीन दर्जे देते थे अगर बाप को इसका मतलब नहीं कम है वो दरवाजा है जन्नत का आप ये देखें ना अल्लाह ताला ने लिंक कैसे किया है एक मर्द की जो जन्नत है वो उसके माँ के कदमों तले है लेकिन एक औरत की जो जन्नत है वो उसके हस्बैंड की रजा में और खानदान का और बगैर पूरे कम्युनिटी को इससे जबरदस्त तरीके से वो है ना कि सबके राइट्स सबके राइट्स ना एक बड़े जबरदस्त तरीके से मिल रहे हैं इंसान से और अगर फिसल जाए तो वत्तबे सबील मन अनाब नहीं ये उसी का है कि उनके साथ अच्छे तरीके से मारूफ रहना है और उनकी तो आप इतबा नहीं कर सकते ना क्योंकि वो शिर्क करने का कह रहे हैं सो वत्तबे सबील मन अनाबा इलैह उस बंदे की पैरवी करनी है जो कि मेरी तरफ लेकर मेरी तरफ ही लौटाए जाओगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या अमाल किया करते थे यहाँ पे डांटने का अंदाज अल्लाह सुभान अल्लाह का सही बात है या बुनिया इन्हा इन तक मिथकाल हब्बत मिन खर्दल फतकुन फी सखरत أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله أكبر very very powerful سبحان الله يا اسكا ترجمہ بھی کر دیں يا بني يا میرے بچے إنها إن تك مثقال حبة اگر رائی کے برابر بھی دانا ہو نا اچھا حبت من خردل یعنی کومن نہ کوئی بھی رائی کے برابر دانا ہو فتكن في صخرة وہ پہاڑ کہہ رہا ہوں کہ وہ پتھر کے اندر ہو اندر ہو پتھر کے اندر ہو اوف السماواتی اگر وہ دانا سماوات میں ہو آسمانوں میں ہو اوف الارض یا زمین میں ہو کیا ہوگا یأتی بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے کیوں کیونکہ لے کے آئیں گے ان اللہ لطیف خبیر یعنی یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں جب دانا نہیں ہے تو تیرا عمل جو تو کرتا ہے بندہ اگر ایسے ہی پڑھ کے نکل جائے آگے بالکل میرے جو اعمال ہیں صبح سے لے کر میں کیا کرتا ہوں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ایک اسکولر بڑی زبردست بات کرتے ہیں واللہ ویری سکیری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میزان جب سیٹ کیے جائیں گے نا قیامت کے دن ذرہ برابر بھی جو کام کیا ہوگا نا وہ مس نہیں ہوگا وہ میزان کے اوپر رکھ دیا جائے گا سانگ جو آپ پہلے سنا کرتے تھے اور آپ کو بڑا پسند تھا آپ گزر گئے ہیں لیکن آپ کے دل میں نا ایک وہ جذبات ایموشنز پیدا ہوئے ہیں آپ نے پسند کیا پسند کیا دل میں برا نہیں جانا دیٹ از آلسو ریکارڈڈ برو اللہ اکبر یعنی مجھے تو نہیں یعنی آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ میرے دل میں کیا ہو رہا تھا اس وقت لیکن اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر لیا یار وَقُولُونَ
या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ووجدوا ما عملوا حاضر الله اكبر ووجدوا ما عملوا حاضر کہ ہمارے عمل سارے حاضر ہیں یہاں پہ سامنے کچھ بھی نہیں چھوڑا یعنی اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے تو آسان حساب کیا ہے صحابہ کرام نے پوچھا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے ہی نہیں کیونکہ جس سے اللہ نے پوچھ کر شروع کر دی وہ گیا برو آسان حساب یہ ہے وہ زداشی سے پوچھا گیا نا وہ فرماتی ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آنسر شیٹس لے کے آئی گئی ہیں جو بھی ہمارے ٹوٹے بوٹے اعمال ہوں گے نا ان پہ اپریشیٹ کیا جائے گا ماشاء اللہ ویری گڈ ویری گڈ جتنی بھی برائی ہیں نا ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا بند کر دی جائے گا جنت از دیٹ وے یعنی یہ آسان حساب ہے یعنی برائیوں کو کاؤنٹ میں نہیں لے کیونکہ ایک برائی میں بھی آگے نا تو نے یعنی یہ کیوں کیا فقد انه من سوء الى يوم القيامه فقد هلك بہت یہاں پہ جو مینشن نا او فی السماوات او فی الارض یاتی به اللہ یعنی اتا جاء ہوتا ہے سم تھنگ وٹ کمز ود این ایفرٹ جاء وجیء یومئذ بجہنم جہنم کو لائے جائے کثیر اتا ہوتا ہے کہ وچ از سم تھنگ ویری ایزی کیجول ایزی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اسٹرینتھ ہوتی ہے پریسیژن نہیں ہوتی کچھ لوگ پریسیژن ہے مگر اسٹرینتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں ہیں وہ جو چٹانوں کے اندر ان کو رزق پہنچانا اس میں بلکہ تفسیر میں تھا کہ نرمی والا ایلیمنٹ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نا یہ خبیر میں جو آپ نے کہا نا جیسے چٹانوں کے اندر تک مطلب سبحان اللہ یار آپ کبھی مخلوق پہ اللہ کی مخلوق پہ نہ سوچے یار کیا کیا مخلوق ہے اور کن کن علاقوں میں کس کس طریقے ان کا کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کس کیسے سسٹم چل رہا ہے ان کا مطلب کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا انسانوں تک شاید ان کی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے سمندروں کا نہیں پتا اور جن کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب کبھی کبھار نا یہ ڈاکیومنٹریز ہیں نا ایون جیسے پلانٹ ارتھ اور یہ اینیمل پلانٹ کے اوپر چیزیں دیکھے نا تو آپ وہ ایک بلکہ بڑی مشہور ہے وہ جو ولفز کی تھی کہ انہوں نے ایک ڈیزرٹڈ سی جگہ میں جہاں سارا کچھ خراب ہو رہا تھا انہوں نے وہاں پہ ولف کو نا چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ کس طریقے سے صرف وہ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں لائف واپس آئی بیکاز انہوں نے جن جانوروں کا شکار کرنا شروع کیا اس کی وجہ سے ان کی جو آئیں اور اس کی وجہ سے ایون اس میں پورا بتایا رہا تھا کہ پانی کا سائیکل اور پودے کون سے اگنا شروع اور کیسے پورا ایکو سسٹم واپس آنا شروع ہو گیا تو بندہ سوچا یار انسان نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے نا انسان اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں تو ورلڈ از بیوٹیفل ود آؤٹ آور انٹروینشن ہماری اپنی جو ایکسٹرا سائنس ہے نا وہ کبھی بار نہ چلائیں تو اچھا ہے تو یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے یار سبحان اللہ واسر قولکم وجہرو به انه علیم بذات الصدور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ تو یہ جو چیزیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہم جانیں اصل میں بتانے کا مقصد کیا بیٹے کو کہ پتر تیرے ذہن میں کوئی بھی خیال آیا نا وہ اللہ تعالیٰ نکال کے لے آئے گا تیرے سامنے اور ایک اعلیٰ مقام تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے خیالوں سے بھی حیا کرنا شروع ہو جائے یعنی ایون ایک تو نا کہ عمل سے کانشیسنیس ایک ہے خیال کی کانشیسنیس کہ یہ برا خیال مجھے آیا کیوں یعنی اس کا کبھی بھی نماز میں برو کبھی ایسا تھا برا خیال آ جائے باللہ نماز میں برا خیال تو یہ ہے کہ تمہاری لائف جو ہے نا ایسی گزر رہی ہو کہ تمہیں اپنی لائف میں ہی نا کوئی خیال ہے تو تم ایسے فیل لیں گے جیسے نماز میں برا خیال آ گیا یار تصور کریں کہ اپنے اولاد کو کتنی زبردست نصیحت کر رہے ہیں وہ ایک واقعہ نا وہ ایک استاد کا انہوں نے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ ایسی جگہ جو ہے نا پلانٹس دیے ٹھیک ہے ایسی جگہ آپ لوگوں نے یہ پلانٹس گرو کرنا جہاں پہ تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو مرغی نہیں ذبح کرنی تھی سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں نا ان کے پلانٹس کسی کتنے بڑے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے ان کے جو ہے نا گرو کر رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ بےچارا ایز اٹ ایز ہی آ گیا تو جب استاد کہتے ہیں کہ اچھا ویری گڈ ویری گڈ تمہیں کیا ہو گیا ہے بولتے ہیں استاد جی مجھے تو ایسی کوئی جگہ ملی نہیں کہ جہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں تو سبحان اللہ وہ سمجھ میں آتی کہ دیکھیں نا کہ بچپن سے ہی کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے اللہ اور اگلے دیکھیں آپ
या बुनैया अकीम सलाह वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ذلك من عزم الامور. क्या मेरे बंदे नमाज को कायम कर, ये नहीं कह या बुनैया सल्ली, क्या मेरे बंदे नमाज पढ़ लेना, नहीं, अकीम सलाह नमाज को कायम करना, यानी यू शुड बी इन योर सलाह 24/7. एक होता ना कि नमाज पढ़ना अपने अपने सर से बोझ उतारना कि बस नमाज पढ़ ली, मेरे जहन में टेंशन थी वो मैंने उतार दिया. एक है कि अकीम सलाह का जो मतलब है ना, वो ये है कि अपने वक्त पे पढ़ना, ऐसे तरीके से अदा करना, और व्हेन यू आर नॉट इन सलाह यू शुड फील दैट यू आर इन सलाह, बीइंग इन सलाह 24/7, यानी अल्लाह ताला का ये तुम्हें, ये है अकीम सलाह नमाज को कायम करना. वह अमर बिल मारूफ, उसके बाद मॉरल पुलिसिंग भी करनी है. हाँ, लाजमी करनी है, बिल्कुल सही बात है. और ये दो अलहदा चीज़ है, मतलब सही बात हाँ बताना भी बिल्कुल, और बुराई से रोकना, ये दोनों हाँ. काम है. मतलब यू कांट से कि अच्छा मैंने एक ही कर रहा हूँ तो ठीक है दूसरी. आई वांट आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बी नॉट कंफ्यूज्ड विद द वर्ल्डली अटैक्स ऑन देम ऑन आवर दीन. ये उस तरह की टर्मिनोलॉजीज लेके आ जाते हैं ना आप सोशल मीडिया पे, फौरन छा जाती हैं. और ऐसा कंफ्यूज्ड मुसलमान जिसने कुरान नहीं पढ़ा तो वो कहता है वाकई यार इट मेक्स सेंस कि यार डोंट स्टॉप अदर पीपल एंड यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन टर्म्स इंप्रेस नाउ, इन टर्म्स टर्मिनोलॉजी से इंप्रेस नाउ. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिलनास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने लोगों को अच्छाई का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है. जो नमाज क़याम करता है ना उसे, यानी सुभानअल्लाह जो क़याम है ना वो निकला है, यानी क़ामा, क़ामा मीन्स क़याम करना. क़याम यानी आपके जो घर की छत है ना वो कायम है पिलर से. यू कैंट मूव द पिलर आउट गाइस. अगर आप पिलर को मूव कर देंगे ना कमरे से तो छत कोलैप्स कर जाएगी. सो नमाज भी आपकी जिंदगी में ना कायम है. यू कैन नॉट मूव योर सलाह, यू कैन मूव एनीथिंग एज मीटिंग्स, हर चीज आगे पीछे. और जो नमाज कायम करता है ना वो पॉसिबल नहीं है कि वो अमल बिल मारूफ ना करे. कुरान में कहते हैं आगे देखो सुभान अल्लाह, कालू या शुएब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, कि तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है कि तू हमें रोके कि हमारे बाप दादा ने जिसकी इबादत की. यानी यानी जो बंदा नमाज पढ़ता है वो सिर्फ, ही इज नॉट जस्ट अ सर्वेंट और स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ड्यूरिंग हिज सलाह, ही इज अ स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला 24/7. उसकी नमाज बाहर भी यही है, ये नमाज क़याम करना कि वो प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह दीन एग्जैक्टली आउटसाइड इन द वर्ल्ड. बिल्कुल, वो बाहर भी है वो प्रोटेक्शन. और अगर ये आपकी नमाज आपको ये नहीं करने दे रही तो मे बी इट्स अ साइन कि हम नमाज कायम नहीं कर रहे. नमाज कायम ही नहीं हमारी, फिर नमाज का वो जो एसेंस है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा. कि हम अगर सिर्फ जल्दी से टिक मार्क कर देते ना, जो नमाजी पढ़ भी रहे बिल्कुल, कि पांच वक्त की नमाज पढ़ते लेकिन उसके अलावा अगर बाकी दिन में कोई उसका असर नजर नहीं आ रहा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अपनी नमाज को फिर फिक्स करना इज समथिंग वेरी वेरी. देन हाउ शैतान हैज प्लेड हिज रोल. यू सी, जो बंदा ऐसे करता है लोगों के दिलों में शैतान क्या कहता है कि यार ये मौलवी जो है ना बंदा या बंदी, उसको देखो हर वक्त ये दिन की बात करता रहता है, रोकता रहता है. भाई तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या, यू नो हाउ शैतान इज प्लेइंग. और जब ये काम ब्रो इंसान करता है ना, मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा उम्मत का मसला है ना ब्रो, यानी ब्रो कैन यू इमेजिन रमजान का महीना 4 million Muslims in Haram praying Qiyamul Layl, शायद लैलतुल कदर की रात पे, या रब दुआएं करें, आंसू बहा रहे हैं. लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही ब्रो? और अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी है कुफार को कि वो मसाजिद को जलाएं, वो वुमेंस को रेप करें, वो बच्चों को उठा के ले जाएं, जो सब कुछ हो रहा है उसकी वजह ब्रो पता है क्या है? अल्लाह के ने कहा था कि तुम जरूर ब जरूर अमर बिल मारूफ करोगे और नहीं अनिल मुनकर करोगे. तुम्हें करना है औलयु शकन अल्लाह अन यबअथ अलैकुम अज़ाब मिन्हु, नहीं तो लाज़िमन अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब में झोंक दे. और वो अज़ाब क्या है? ثم تدعونه فلا يستجاب لكم, कि तुम दुआएं करोगे फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी. ये तो अज़ाब है सबसे बड़ा. बैक इन द डेज आपको भी मुझे भी हम सबको किसी बंदे ने आके अमर बिल मारूफ किया था, किया था तो हम आए ना ब्रो. आज नतीजा ये है, ये नतीजा कि हम दीन पे आए. एग्जैक्टली, कुरान पढ़ा और समझा. अगर वो ना करता तो आज हम दीन पे ना होते. बिल्कुल, दिस इज द फ्रूट. यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये चीज ना होती तो दीन फैल ही नहीं सकता ना. मतलब आप ये सबसे बड़ी सुन्नत एक तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही तो काम किया. बिल्कुल,
हक की दावत देनी है, आपने बुराई से रोकना, ये दिस इज द एसेंस ऑफ आइडल वर्शिपिंग वाली जो कम्युनिटी थी उसमें आके जो एक वो स्टॉर्म आया था वो इसी का तो आया था कि अल्लाह ताला वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अच्छा ये कौन कर सकता है, दैट्स आल्सो क्वेश्चन मार्क ना, मतलब एवरीबॉडी शुड डू इट यस, एंड इसका क्राइटेरिया पीछे इल्म होगा, नॉलेज होगी तो बंदा कर सकता है। एग्जैक्टली ये ऐसे भी नहीं है कि बस मैं जो अपनी अकल से मुझे सही लगता है वो मैं बताऊं और जो मुझे अपनी अकल से गलत लगता है उसे मैं रोकूं, इसकी एसेंस पीछे एक ऑटोमेटिकली चीज है। लेकिन बिल्ड को आने वालों आया भी है कि आपको और बताते जाए, बट जो लोग कहते हैं ना मॉरल पॉलिसिंग ना करें, वो आप सल्लम के मिशन को ना डिसरिगार्ड कर रहे हैं, वो आप सल्लम की लाइफ को डिसरिगार्ड कर रहे हैं बोले आप। और ये इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस गाइस, ये तो है लोग आएंगे क्योंकि इस रास्ते में रिटेलिएशन होगी, इस रास्ते में लोग आएंगे कहेंगे तुम मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हो, तुम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को फैला रहे हो, तुम पैट्रियार्कल बन दो, तुम ऐसे एक ही तरफ है तो ये सारा सुभान अल्लाह ये कहेंगे। लेकिन वस्बिर अला मा असाबक, और फिर अल्लाह कहते हैं कि ये तुम्हें बातें मैं कह रहा हूँ ना, इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बड़ी बड़ी कमांडमेंट रहोगे तो फिर ये बड़े, यानी ये कमांडमेंट अल्लाह तआला की तरफ से बड़ी बड़ी हैं और ये बड़े बड़े अहम काम है जो तुम्हें करने, जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिए हैं। सुभान अल्लाह। आगे पढ़ते हैं जी, वला तुसअर खदका लिलनास वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन अल्लाह ला युहिबु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, के अपने लोगों से ना अपना चेहरा ना फेरो, यानी डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी रूड, और ऐसे ना चलो, अकड़ के ना चलो दुनिया में। अल्लाह ताला ना एरोगेंट और बोस्टर की बात को पसंद नहीं करता, यानी तुम्हें ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस होनी चाहिए, यानी ह्यूमिलिटी वल्लाही इट्स अ बिग गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हान व तआला, जिसको नसीब हो जाए ना, और कंटिन्यूअस अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ह्यूमिलिटी अपने ऊपर तारी करने के लिए ना, अगर आप कभी भी हल्का सा ढीला छोड़ देंगे तो जो आपकी नेचर में वो चीज होती है ना दैट यू ट्राई टू बूस्ट योर ईगो, वो आपको जाहिर होने लग जाएगी। इन सारों को आप लिंक भी करते जाए ना, मतलब इवन मुझे लगता है अपने दीनदार भाइयों के लिए भी, जो अब इसमें अमर बिन मारू नहीं मुनकर कर रहे हैं ना, तो एक तरह से एडवाइजिंग ही कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसके अंदर ये ह्यूमिलिटी होना बड़ा जरूरी है। वाइल डूइंग इट यू कांट बी एरोगेंट, यस, और किसी चीज़ भी एरोगेंट नहीं होना, मतलब इवन आपको नॉलेज भी आ गया, इल्म भी आ गया, यू कांट बी एरोगेंट ऑन द फैक्ट कि यार मुझे बड़ा इल्म आ गया, अब मैं लोगों को बता सकता हूँ। मतलब शैतान की वन ऑफ द पहली जो उसकी जो गलती थी वो एरोगेंट से ही निकली थी ना, किबर था, और उसके नतीजे में उसने इनकार किया बिल्कुल। तो दैट इज समथिंग जो एरोगेंस कैन लीड यू टू मेजर सिंस इन लाइफ, एंड यही तो रिजेक्शन है, जब इंसान एरोगेंस पे आता है ना फिर रिजेक्शन करना शुरू कर देता है हर चीज़ की, और अक्सर लोग जो दीन से बागी होते हैं ब्रो उनकी वजह यही है कि वो एरोगेंट बन जाते हैं, या तो अच्छा इल्म जो एरोगेंस देते हैं ना इंसान को उससे भी बंदा मुल्हिद भी हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल ब्रो, यानी इल्म की एरोगेंस ना सबसे बड़ी बुरी एरोगेंस है, माल की एरोगेंस तो है, अथॉरिटी की है, लेकिन इल्म की बड़ी बुरी एरोगेंस, ये अल्लाह ताला का बदला है उस शख्स के लिए मेरे ख्याल से जो एरोगेंट होता है, क्योंकि तकब्बुर जो है ये किबर जो है अल्लाह की चादर है, हदीस में जैसे आता है, इसको कोई और नहीं, यानी जो इस पर हाथ डालेगा ना अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। और आखिरी जो आयत है, वक्सद फी मशयिका वग़ज़ूज़ मिन सौतिक इन अनकर अल अस्वाति ला सौतुल हमीर, और बी मॉडरेट इन योर वॉकिंग, यानी जैसे हमने कल पढ़ा था, सुबह कल ही पढ़ा था ना, कि अपनी वॉक में मॉडरेशन पैदा करो, यानी वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ठीक है, इसमें पिछली आयत में भी मना किया ना कि उस तरीके से मत चलो जमीन, मत चलो, तो अगले में बता दी कि कैसे चलना है, कैसे चलना कैसे है, अल्लाह अकबर, और अपनी आवाज़ को पस्त रखो, बेशक जो सबसे बुरी आवाज़ है ला सौतुल हमीर, गधे का चीखना चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी ना एक तो ऊंची पिच वाली होती है, एक ना एक ऊंची आवाज होती है, और बिला वजह भी यूजली होती है, जो तफसीर में पढ़ा था, वैसे तो शैतान के बारे में कहा गया बिल्कुल, लेकिन हर जानवर जो है ना वो किसी ना किसी वजह से कभी बोलता है, लेकिन शैतान कभी कभी जो है ना, ओ सॉरी शैतान कह रहा हूं, गधा जो है कभी कभी बगैर वजह के भी बोलता है, यानी फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, या अच्छा बोलो या खामोश रहो। यहाँ पे जो वर्ड आया ना हमीर, यहाँ पे तफसीर में पढ़ा था, ये हिमार क्यों नहीं आया, हमीर आया ना, वो उसकी वजह ये कि आयात में ना सीक्वेंस ये चल रहा है, मुनीर सईर और उमूर हमीर, ये सीक्वेंस चल रहा है, उस वजह से ये वर्ड आया हमीर टू मेंटेन, क्योंकि अरब जो है ना वो लुगत बड़ा वो फ्रेज करते थे जी, ये सारी अभी हमने वो नसीहतें पढ़ी हैं जो एक वालिद अपनी औलाद को कर रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, आप अगर देखें मुझे तो लगता है थोड़ा सा सोच रहे कि अगर यही सारी अगर कोई एक इंसान सारी नसीहत पे अमल करना शुरू कर दे बस तो जिंदगी सेट है बिल्कुल।
बिल्कुल, मतलब ये ह्यूमिलिटी भी आ गई, मतलब एक एक चीज कवर हो रही है। अब्दुल रहमान बन जाएगा वो, सही बात है, इबादुर रहमान या अब्दुल रहमान बन जाएगा। पहले अपने आप को नसीहत करें, फिर अपनी औलाद को और आगे। तो अगर हम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना कि एक मुसलमान हुकूक उल्लाह में भी अच्छा होता है और हुकूक उल इबाद में भी टॉप पे होता है, यानी उसमें एरोगेंस नहीं होती, वो बुरा फाहिश अलबदी नहीं होता, ना ही गाली देने वाला, ना ही ऊंचा चीखे। हमारे यहाँ कहते हैं जी मैं जो बड़ा बोल्ड हूँ, मैं जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो बना बस लोगों को मुंह पे खरी खरी सुना देता हूँ, ये लोग ऐसा अपनी क्वालिटी काउंट कर रहे हैं। ऊंचा बोल के दूसरे को चुप कराना इज स्ट्रेटेजी, मतलब लोग कहते हैं जो ज्यादा ऊंचा बोलेगा ताकि उसकी आवाज पहुंचेगी ना, चीख चला के चुप कराना कोई पसंद नहीं है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा चीखा चलाया नहीं था लोगों पर, स्पेशली अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं कभी भी। तो अल्लाह ताला हम सबको उम्र की तौफीक दे यार। अब साथ ही बड़ी जल्दी आके जिम पहुंचना है उस साथ ने। हर पॉडकास्ट के आखिरी 10 मिनट में अबू साहब किसी किसी को प्रोजेक्ट दे दे क्योंकि पहुंचना है, क्योंकि पहुंचना है। मैंने कहा ना अल्लाह तौफीक दे रहा, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।